हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम बना रहे टिक्का पुलाव। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक कप दही को बीट करें, लाल मिर्च एक चम्मच, नमक हस्बे जायका, खुशक धनिया और जीरा पाउडर एक एक चम्मच, काली मिर्च एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लहसुन पाउडर एक चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करें। लहसुन पाउडर नहीं है तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं आप, फूड कलर जर्दी का रंग। इसको अच्छे से मिक्स करें और चिकन डाल दें। ये मैरिनेट हो गया। अब इसको एक घंटे के लिए रखना है अपने। ऑयल डालें, दो अनियन, प्याज। इसको कुक करें। प्याज को जब गोल्डन लाइट सा हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और ये साबुत मसाले डालें। इसमें दालचीनी, इलायची, ज़ीरा सब कुछ जो होता है वो डालना है। टमाटर डालें और सब मिर्च। टमाटर दो लिए हैं, सब मिर्च 6 से 7। सूरा मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी भी हुई भी डालनी है और कुटी हुई भी डालनी है। इसमें भी जीरा पाउडर और धनिया पाउडर एक चम्मच। अब एक पैन ले ग्रिल वाला, उसको ऑयल लगाएं और चिकन फ्राई कर लें। जिसके पास ये पैन नहीं है तो वो दूसरा भी पैन ले सकते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं। जो चिकन का मिक्सर बचा हुआ था वो चावलों के अंदर डाल दें, प्याज के अंदर डाल के भून लें। पानी डालें 3 गिलास। बॉयल हो जाएगा तो चावल डाल दें 2 गिलास। इसको ढक के रखें जब तक पानी ड्राई नहीं होता। ये पानी ड्राई हो गया है। इसको दम पे रखे हुए, फिर उसके बाद चिकन डाल दें। प्याज रखे या कुछ भी आप रखे तो उसमें गरम गरम कोयला रख ले। उसके बाद आपने ऑयल डालना है। ऑयल डाल के इसको ढक के रखे 5 मिनट। ये कोयला और प्याज का छिलका निकाल ले और इसको ढक के रखे। रेडी है टिक्का बिरयानी। बहुत मज़े के बनते हैं। ओके, बाय बाय।